नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। पालीवाल हॉल में हुई पार्षदों की आज नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में जमकर हुआ हंगामा, जहां बजट पास होने को लेकर कई महिलाओं सहित पार्षदों ने जताया विरोध। फिरोजाबाद नगर निगम द्वारा की गई बजट पास को लेकर पार्षदों की बोर्ड मीटिंग जिसमें जमकर हंगामा हुआ, तो वही महिला पार्षदों सहित किया बजट पास का विरोध। बोर्ड मीटिंग में नहीं सुना सके पार्षद अपने वार्ड का हाल, उससे पहले ही शुरू हो गया हंगामा। इस मीटिंग में हंगामे के बीच ही कर दिया गया बजट पास, तो वही मीटिंग में विपक्ष के पार्षदों द्वारा जताया गया इस बजट को पास करने का विरोध और अपनी सीट छोड़कर पालीवाल हॉल के फर्श पर लेट गए पार्षद और नारेबाजी करने लगे कि नहीं चलेगी तानाशाही। साथ ही साउंड की मशीन से माइक के वायर्स गुस्साए पार्षदों ने निकाल फेंके और मशीन को हिलाकर फेंक दिया। जमकर करने लगे नारेबाजी, नहीं चलेगी तानाशाही। जी हां, वही महापौर ने और नगर निगम के नगर आयुक्त ने कहा 5 अरब रुपए का बजट पास हो गया है सर्वसहमति से, मगर विपक्ष के पार्षद इसका विरोध करते रहे और राष्ट्रीय गान के साथ इस मीटिंग को समाप्त कर दिया गया। आखिर इस बजट को बिना पार्षदों के सुने हुए इतनी जल्दी पास करने की क्या जरूरत थी? पार्षद नहीं बयां कर सके अपने वार्ड की जनता का दर्द, उससे पहले ही कर दिया गया बजट पास, ऐसा आरोप लगाया बजट का विरोध कर रहे पार्षदों ने। और क्या कुछ कहा गया पार्षदों द्वारा, देखिए इस हंगामे भरी बोर्ड मीटिंग के बजट पास की खास रिपोर्ट में। पार्षद तो हमें जरूरत नहीं है आपकी, अगर उन्होंने कोई बात की है उसको रख के समाप्त करें, क्योंकि गेट बार में अगर
मैं माननीय उपसभापति से कहना चाहूंगा बजट की बोर्ड की बैठक इसको आगे बढ़ा दिया जाए, आज का सदन समाप्त कर दिया जाए यहीं पर। मैं इन सबसे कहना चाहता हूँ, बताओ हम बता रहे हैं कि सदन के बजट पास कराना चाहते हैं। सदन में अपनी समस्याओं को उठाते हैं और मैं उठा रहा हूँ और इसका जवाब मुझे अधिकारी कर देंगे। माननीय पार्षद जी से मुझे कि मेरे यहाँ मस्जिद के पास पानी भर रहा है, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं और आपने एस्टिमेट खोल दिया, तो वास्तव में ये गंभीर बात है कि आपने एस्टिमेट खोल दिया है, तो आदमी गांधी नहीं आएगा, उनकी आंखों में आंसू थे, मेरे उनकी आंखों में आंसू देखे थे। बाद में देख जब सुभाष चाचा पार्षद ने मामला सामने आया, कोई बात नहीं दोबारा बन जाएगा, तो उन्होंने चाय भी पिलाई बिल्कुल भी खिलाए और शाम को मुकदमा भी लगा दिया, तो ये गलत है। अगर आपको पार्षद रहे चाहिए आप बड़े प्यार से कहेंगे, हम अपना सरों इस्तीफा दे देंगे और आप जो चाहेंगे हमें दीजिए, क्योंकि हम यहाँ आपसे लड़ने के लिए आए हैं, हमारा भी घर लगा है, ये तो है नहीं कि हम आपसे बेहोश रहेंगे और मुकदमे लगवाएंगे। तो कृपया जब तक मैं किसी ना आ जाए तब तक सदन की कार्रवाई आगे न बढ़ाई जाए, उन्हें बुलाइए और उन्हें पूछिए कि हमारे के जो वार्ड से रिलेटेड इश्यूज है सबके हम लोग ने टिकअप कर लिए हैं। इस बार 15 वीक के सारे टेंडर हो गए, एनकैप के सारे टेंडर हो गए, सारे वार्ड्स में सब जगह काम लगा हुआ है, फिर भी कुछ इश्यूज है तो उनको सॉर्ट आउट कर लिया। बोर्ड की मीटिंग में पार्षदों को द्वारा कहा जा रहा है कि बजट 2024-25 का पास हो गया, दूसरा वर्ग अभी भी विरोध कर रहा है। देखिए चर्चा जारी है या बजट पास कर देगी? देखिए जो यहाँ पे बजट है सर्वसम्मति से अभी आपने देखा ही है, सबने पारित कर दिया, जो भी हमारे मेजोरिटी में जो पार्षद है उन्होंने पारित कर दिया। कुछ पार्षद का जो विपक्ष के पार्षद है उनका थोड़ा कुछ इश्यूज को लेकर विरोध है, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से जो भी इश्यूज हैं वो देखा। सर बजट के बारे में बताएं, बजट क्या रहा? देखिए पूरा ध्वनिमत मत से आपके समक्ष ही अभी बजट पास हुआ है, माननीय महापौर द्वारा अनुमोदन किया, तो बजट को इसका दिया गया कुछ विपक्ष के पार्षद है जो है। सर कितने रुपए का बजट पास हुआ है सर इस बजट के बाद? 5 अरब रुपए का, लगभग 5 अरब का बजट पास किया है। लगभग कितने पार्षद इसकी फेवर में है? फेवर में अराउंड 55-60 पार्षद जो हमारे वो फेवर में है, और कुछ के बजट से किसी का कोई इशू नहीं है, व्यक्तिगत पार्षद। देखिए विपक्ष का काम जो है सत्तापक्ष के कुछ इश्यूज होंगे उनको आपने देखा ठीक है। वार्ड नंबर 55 से क्या समस्या क्या है? ध्वनि मत से या तो बजट तो पास हो गया, बजट पास हम मानेंगे नहीं, बजट पास कैसे हो जाएगा? पिछला बजट पास नहीं हुआ जो 15 काम दिया था, उस काम में से एक भी काम नहीं हुआ। और टैक्स की बात करी जाती है तो ये सोपी साहब के पास नई आबादी है, 1.5 करोड़ से ऊपर का काम हुआ, वहाँ से कितना टैक्स वसूला गया? और वार्ड नंबर 21 में 1,70,00,000 का कार्य हुआ, वहाँ से कितना टैक्स वसूला गया जो हमारे वहाँ से टैक्स वसूला जाता है आप बताइए? और वार्ड में 30-40 कर्मचारी हैं, हमारे वार्ड में सिर्फ 15 कर्मचारी हैं, ये ऐसा भेदभाव क्यों है? 15,000 की आबादी में 15 कर्मचारी हैं, जो 6-7 की आबादी है, 6-7 हज़ार की आबादी है, वहाँ पर 30-40 कर्मचारी हैं, ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है? है हमने पार्टी में सपोर्ट कर लिया, भाजपा में गए इसलिए गए, मतलब भाजपा में इसलिए गए हम, उसके बावजूद आपकी नहीं सुनी जा रही, उसमें नहीं सुनी जा रही, तो क्या फायदा होगा इस पार्टी में आपको सपोर्ट करने का बताइए? हम यहाँ पर आते हैं मीठे के डिब्बे लेने, खाना लेने, अपना घर बार छोड़ कर गली के कुत्ते के लिए, सही बात कह रहे हैं वो, हम गली में निकलते हैं, पार्षद हमारा काम कराइए, पार्षद हमारा काम कराइए, हम पार्षद क्या है? जो चाहता है वो घेर लेता है हमें, हमने तुम्हें जिता दिया, हम बिना आए तो बैठे नहीं है, जनता ने जिताया, जब तुम आकर बैठे हैं बाहर की जनता क्या कहती है? तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो, हम मिल कुछ नहीं रहा है, और जनता हमसे ऊपर चढ़ के आ रही है कि हमको जूते खा रहे आगे, हम बताइए आप बताइए मैडम चले गए, जवाब नहीं दिया, बजट पास हो गया, निचले बजट हुआ नहीं पूरा, नया बजट पास कैसे कर लेंगे हम? बजट नया पास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या कह रही थी आप? निगम जाते हैं हम, महिला पार्षद है, महिला पार्षद की भी कोई सुनवाई नहीं है, कम से कम ये तो देखा जाए, एक तरफ महिला शक्ति आ रही है, महिला की कोई सुनवाई नहीं है, मिशन शक्ति चलाए गए महिला सुरक्षा के लिए, महिलाएं जा रही हैं निगम इतने चक्कर लगा रही है क्योंकि चप्पलें किसी जा रही है निगम जाते जाते, लेकिन निगम में कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ के अधिकारी भी अपना मनमानी चला रहे हैं।
राष्ट्रीय आप पर आरोप है कि आप भाजपा के पार्षदों को उचका रहे हैं। साहब मैं क्या सोच कर सकता हूँ, आज तो आपके सामने पूरे सदन के सामने सदन की गरिमा की मतलब ऐसी बेइज्जती हुई है जो पूरे पूरे शहर ने देख रहा है। मतलब पार्षद अपनी बात कह रहे हैं उससे पहले ही जनगणमन गा दिया गया जा रहा है, उसके बाद उसकी बात भी सुनी जा रही है। यहाँ पार्षद अपनी व्यथा सुनाने के लिए बैठे हुए हैं और कोई सुनने को राजी नहीं है। नगर के जितने सम्मानित पार्षद हैं वो संख्या बल के हिसाब से इस बजट के विरोध में है। अभी पीछे आपके अभी मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा जो सारे पार्षद इसके विरोध में, उसके बावजूद भी मीटिंग खत्म कर दी गई। अब पता नहीं है स्थगित करी गई है क्या करा गया और यहाँ से सारे अधिकारी से बजट पास हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ था, मैं आपको संख्या बल दूंगा सारे पार्षद नगर आयुक्त ने कहा कि सर्वसम्मति से अगर वो ये कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। मैं आपको पूरे मतलब रिटर्न साक्षर दूंगा सबके साइन कि मतलब बजट पास नहीं हुआ है, उनका ऑफिशियल वर्जन है कि बजट पास हो गया। ऐसे में क्या करेंगे, बजट तो पास हो गया, विरोध में हम पूरी तरह से विरोध में और हमारी जब तक बात सुनी नहीं जाएगी हम इसका विरोध करते रहेंगे। हमें बजट से कोई आपत्ति नहीं है, बजट कम से कम समक्ष तो रखा जाता। आप ये देखिए बजट समक्ष भी नहीं रखा गया, उससे पहले उसको पास कर दिया गया। ये कौन सी तानाशाही है, ये तानाशाही पूरी तरह से गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप और जी मौजूद थे, बताइए इमरान भाई क्या समस्या है। समस्या ये है देश और प्रदेश की सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिरोजाबाद नगर निगम एक अनोखा नगर निगम है जो गोरखपुर और आगरा और झांसी कानपुर से भी बड़ा है। बिगर एक अक्षर के पढ़े हुए भी बजट पास कर दिया गया और एक पार्षद ने राष्ट्रगान गा के उसको समाप्त कर दिया और महापौर नगर आयुक्त तो अपनी सीट पर बैठे रहे। ये देश का अपमान किया है। और करोड़ों रुपए का जो टेंडर डोर टू डोर द्वारा जो पिछली बार दिया गया था उसमें करोड़ों रुपए का अधिकारियों ने घोटाला किया है। और इसके बाद सफाई कर्मचारियों एक विशेष समुदाय का सफाई कर्मचारियों पर ये लोग टेंडर डाल दिया जो अंग्रेजी में डाला गया है और एक ब्रिटेन शासन लागू करना चाहते हैं ये। लेकिन और जो ट्यूबल ऑपरेटर हैं वो भी ठेका कर्मचारी, उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि मिस्त्री को शामिल किया गया, बेलदार को शामिल किया गया। लेकिन ये एक विशेष समुदाय वाल्मीकि समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी के करोड़ों रुपए में बेचना चाहते हैं। और ये पास जो बजट जो पास हुआ है ये मनमानी तानाशाही है, लेकिन अब नहीं चलेगी और इसके लिए हम लोग सड़कों पर भी उतरना पड़े उतरेंगे। बजट पढ़ने से पहले यह पास कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? जब तक बजट पढ़ा नहीं जाएगा और जब तक हमें सुनाया नहीं जाएगा तो कैसे पास हो सकता है? संख्या बल दिखाया नहीं गया, बजट पढ़ा नहीं गया और ये कैसे पास हो गया? हमारी समस्या है, हमारी पर्सनल कोई समस्या नहीं है, हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है, हमारा कोई दो नंबर का काम नहीं है। हम जनता की समस्या आपके बीच रख रहे हैं, आप उससे मुकर के कैसे जा सकते हैं? हमारी बात सुनी जाए, हम पार्षद यहाँ पर लेटे हुए हैं, हमारी बात नहीं सुनी गई, ऐसे कैसे हो सकता है? आप देख रहे हैं कि मैंने ये बताया गया है कि अभी ये टेंडर हुआ है, एक टेंडर हुआ है, अभी जो टेंडर हुआ है सफाई कर्मचारी का, पहले सफाई कर्मचारी का टेंडर होता था, सुपरवाइजर को देख रेख करता था। अब इनने क्या किया है, 64 पेज का इंग्लिश में टेंडर निकाला गया है, जो अभी तक 6 से 7 पेज का निकलता था उसको 64 पेज में इंग्लिश में निकाला गया है। ये कहाँ का नियम है, कैसा ये अंग्रेजी शासन लागू हो रहा है? इसके लिए हम पूरे विरोध में हैं और हमारी बात सुनी गई। हम सदन के मर्यादित हम पार्षद हैं, हम मर्यादा में रहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और आपकी पार्टी के उपसभापति ये कह रहे हैं कि आपको उछका रहे हैं विरोधी। मैं भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी मैंने जन्म लिया है और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। विरोधी तो नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी कतई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, मेरा विकास नहीं हो रहा है, मैं क्षेत्रीय जनता को बात रखूंगा। मेरा यहाँ पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी क्षेत्र की समस्या रख रहा हूँ। लेकिन आप उन समस्याओं से मुकर के जाएंगे तो ये क्षेत्र की जनता भी आपको जवाब देगी। मतलब समस्या सुनी नहीं जा रही बिल्कुल। अरे यहाँ आप देख रहे हैं कि सदन में बजट पढ़ा नहीं गया, ये सब क्या हो गया? सदन में बजट पढ़ा नहीं गया, आपने जनगणमन कर दिया, उसका हम अपमान नहीं कर सकते हैं, हमारा राष्ट्रगान है उसका, उसको आपने चालू कर दिया। बजट पढ़ा नहीं गया, एक भी पैरा नहीं पढ़ा गया, ये कहाँ का नियम है? आप ऐसे कैसे तानाशाही चला सकते हैं?
ये तो बिल्कुल गलत है और हम यहाँ पर लेटे हुए थे, आपने हमारी बात सुनी है और ये बात हम आपसे हम आपसे बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको, आपने हमारी बात सुनी है क्योंकि यहाँ सदन में नगर निगम हमारे सुनने वाला है नहीं। देखिए जो बजट आया है ये नगर निगम फिरोजाबाद छोड़िए नगर पालिका जब से बनी तब से लेकर के आज तक के इतिहास में पहली बार जो दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना थी उस पर नगर निगम महापौर और नगर आयुक्त द्वारा काम किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में गड्ढा मुक्त अभियान जो विकास कार्य हो रहे हैं वो पूरे किसी बिना किसी भेदभाव को हो रहे हैं। अभी तक हम जब मैं पार्षद हूँ मेरे बारे में एक भी काम नहीं हुआ, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि काम जो हुए हैं उन क्षेत्रों में हुए जहाँ काम ही नहीं हुए, जहाँ गड्ढे थे आज तक किसी ने उन क्षेत्रों में ध्यान नहीं दिया वहाँ विकास हो रहा है। और जो पार्षद विरोध कर रहे हैं इनकी एक सूची बना ली जाए, जो पार्षद विरोध कर रहे हैं वो ठेकेदारी वाले पार्षद हैं, इनके कहीं ना कहीं ठेकेदारी कर रहे हैं और ठेकेदारी के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाकर गलत काम कराने को बाध्य करते जो वो लोग हैं। देखिए मैं बताऊं, जो पार्टी के हमारे पार्षद हैं वो गुमराह हैं, उनको गुमराह किया गया, उनके कंधे पर बंदूक रख कर चलाई जा रही है, वास्तविकता में कोई सामने नहीं आना चाह रहा। जो सारी लड़ाई जो ठेकेदारी को लेकर के है विगत बोर्डों में भी रही है, विगत अभी जो पिछली बैठक थी उसमें भी थी, कुछ हम लोगों में आपकी मतभेद हो सकती है लेकिन नगर निगम की कार्रवाई जो चल रही है, नगर निगम का जो विकास का पहिया चल रहा है इसमें किसी वर्ग को अछूता नहीं रखा गया है और नगर निगम की प्रायोरिटी है कि नगर निगम के द्वारा विकास बिना भेदभाव के। मोदी जी योगी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पर काम हो रहा है। बजट सब लोगों ने पढ़ा, बजट की प्रतियां हमको 5 दिन पहले पहुंच चुकी थी, बजट बिल्कुल ठीक था तो हम सभी पार्षदों ने बहुमत के साथ उसको पास किया, उसमें सभी दलों के पार्षदों का सहयोग रहा, कुछ एक आध दल के पार्षद विरोध कर रहे थे तो बहुमत से पास कर दिया गया। बजट 5 अरब से ऊपर का बजट है इस बार और आय हमारी 1 अरब 50 करोड़ के आसपास। विरोधी दल का मतलब विरोध करना होता है तो विरोधी विरोध करेंगे, वो कर रहे हैं, करने दीजिए, बहुमत जिधर होता है उधर मान्यता होती है, बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ था इसलिए पास हुआ। नई आबादी में विकास नहीं हुआ है उसके चक्कर में काफी वो करा गया, बिल्कुल नई आबादी का पुरानी आबादी में विकास नहीं हुआ, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, सब काम करा रहे हैं, पार्षद भी लगे हुए हैं, धीरे धीरे समस्या खत्म होगी, 85 साल लग जाएंगे, काम चल रहा है समय सभी वार्डों में, अब एकदम से तो नई आबादी को समस्या खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है, गाँव से भी शहर बने समानता के साथ कार्य हो रहा है, कोई विकास हुआ है, क्या खुशी की लहर है पार्टी के पार्षदों के अंदर, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बजट पास होने से इतना प्रफुल्लित है कि वो खुशियों से देख रहा है कितनी अच्छी तरीके से खा पी रहा है। इसके अलावा जो भी विरोधी पार्षद हमारे भाई विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करना बिल्कुल नाजायज़ है, उसका कारण ये है कि उनके ही सबसे ज़्यादा वार्डों में काम हुए हैं, आपने देखा होगा कि 10-10 कोटेशन एक जो इधर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनके एक एक दो दो कोटेशन पास हुए हैं जबकि अन्य दलों के पार्षदों के 10-10 कोटेशन पास हो चुके हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस ये विरोध क्यों कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, ये विरोध जता के अपने आप को कमजोर और कर रहे हैं।